गुड इवनिंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। अभी जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन टेक पटना में जो साइबर कैफे में आपका आए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे का यही डाउट था, या फिर बहुत सारे आप यूट्यूब पे देख रहे थे कि किस जोन से इतना फॉर्म अप्लाई हुआ, सबसे अधिक यहाँ से अप्लाई हुआ, तो ये आपको ओरिजिनल पता चलेगा, क्योंकि अधिक बच्चे आपको पता है रेलवे का तैयारी पटना में ही करते हैं, और पटना के बच्चे अधिक कहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, या फिर रेलवे एएलबी का अधिक फॉर्म कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कौन से जोन को, आरआरबी का कौन से जोन को, क्योंकि इसके लिए असलियत साइबर कैफे से ही पता चलेगा। इसलिए हम जो है आए हैं यहाँ पे, बगल में ही हमारे साइबर कैफे था सॉल्यूशन टेक करके। तो बताइएगा भैया कि सबसे अधिक जो है अभी तक आप जो लगभग इतना दिन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जी, तो सबसे अधिक ये जो जोन आप दिखाई दे रहा है, तो सबसे अधिक बच्चा कहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा तो बिलासपुर भरा जा रहा है, थोड़ा लाउडली और बोलिए। सबसे ज्यादा बिलासपुर भरा जा रहा है, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, ये कुछ जोन है जो सबसे ज्यादा लड़के जो है भर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, बिलासपुर में सबसे अधिक भर रहा है, पहला नंबर में जी बिलासपुर में, दूसरा नंबर में सिकंदराबाद, हाँ सिकंदराबाद, सिकंदराबाद भुवनेश्वर में है, और तीसरा नंबर में इसमें कलकत्ता में, कलकत्ता में अभी तक शायद एक या दो कैंडिडेट डाला है मेरे यहाँ से। अच्छा, लेकिन कलकत्ता में वैसा नहीं, कलकत्ता में कम डाला रहा है फॉर्म, मालदा में डाला था हमने, मालदा में भी कम डाला, बैंगलोर में कैसा बच्चे? बैंगलोर में भी दो या तीन लड़के अब तक डाल चुके हैं बस। अच्छा, ये केवल अब आज का बता रहे हैं, आज का नहीं पूछ रहा हम, अब लगभग जो है 10-15 दिन से हो रहा है, तो 10-15 दिन का डाटा के हिसाब से आप बताइए ना के बराबर, मतलब ना के बराबर। अच्छा, तो ये बताइए कि जरा सा चेन्नई में कैसा ये हो रहा है, चेन्नई में फॉर्म अभी तक जो लगभग 10-15 दिन से जो डला रहा है, एक भी नहीं, कम डला रहा है, मतलब कि लगभग ना के बराबर में है। और सिलीगुड़ी में कैसा डला रहा है? सिलीगुड़ी में भी लड़के डाल रहे हैं, सिलीगुड़ी में लड़के लोग डाल रहे हैं। अच्छा, रांची में? नहीं, रांची में भी नहीं डला, रांची में कम डाल रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में ना के बराबर है उधर में। तो अगर टफ जोन के तौर पे देखा जाए, ऐसे तो टफ तो इस बार इतना कम वैकेंसी है, 5600 सब जोन ही टफ है, लेकिन टफ जोन के तौर पे फिर भी अगर देख लेते हैं तो सबसे अधिक फॉर्म भरा रहा है बिलासपुर में, बिलासपुर आपका, तो वैकेंसी भी बहुत अधिक है बिलासपुर का जी। मतलब जहाँ जहाँ अधिक वैकेंसी है बच्चा वहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फोकस वहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं, और कम वाले पे कम। पटना में कितना अभी तक आपके हिसाब से 10-15 दिन में आपको कितना लगा है एवरेज, कुछ भी फॉर्म डला रहा है क्या पटना में? नहीं, अभी तक पटना में भी जो है बहुत कम ही बच्चे ना के बराबर ही जो है फॉर्म जो है डाल रहे हैं। चलिए, तो सेफ जोन के तौर पे इसमें तो कुछ भी सेफ जोन नहीं बोल सकते हैं हम लोग, इतना कम वैकेंसी में है जी। तो आपके हिसाब से कहाँ पे एक, जैसे आप अभी तक का अंदाजा लगा है आपको, तो एक मीडियम जो देखा जाए, तो आप तो बता दिए भुवनेश्वर में ये सब में ज्यादा चल रहा है, तो अगर स्टूडेंट कहाँ भी डाले अगर फॉर्म, तो अभी सही रहेगा एक हिसाब से, ज्यादा वैकेंसी पे या कम वैकेंसी पे आपके अकॉर्डिंग ऐसे क्या लग रहा है? लड़के जैसे जो जोन ज्यादा दूर है, ठीक है, लड़के कुछ लोग हैं जो वो माइंडसेट रखते हैं कि ज़्यादा दूर है वहाँ लड़के ज़्यादा नहीं डालेंगे, सीट कम है, तो वहाँ लड़के कुछ लोग हैं जो फोकस करेंगे, नहीं कम सीट है बट वहाँ फाइट किया जा सकता है क्योंकि वो जोन दूर है, लड़के ज़्यादा वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं ले, तो दूर वाले जोन्स पे भी ट्राई किया जा सकता है, सीट कम है तो क्या हुआ, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो इस हिसाब से जो है लगभग है, मतलब कि जहाँ ज्यादा वैकेंसी है तो अभी भी बच्चे उसी को ही प्रिफरेंस कर रहे हैं जी, उसी को ही लगभग सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जो जोन वाइज का एक जो डाटा लगभग जो आएगा भैया से हम बाद में लेंगे, और आप लोगों को भी बताएंगे कि लगभग अप्रोक्स कितना के करीब में जो है, अंदाज के तौर पे कितना के करीब में फॉर्म आपका फिलअप हो रहा है, तो यही आपके हिसाब से था कि ज्यादा जहाँ वैकेंसी है अभी भी कोई कुछ भी बोल रहे कि हाँ यहाँ पे नहीं भरो वहाँ पे नहीं भरो, ज्यादा जहाँ वैकेंसी है बच्चे वहाँ पे अधिक फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ कम वैकेंसी है वहाँ पे जो है बच्चे कम को अप्लाई जो है कर रहे हैं। दूसरा चीज आप लोग के लिए एक और अपडेट था कि एएलपी का और टेक्नीशियन का, आप देखिएगा कि एएलपी टेक्नीशियन का इधर जस्ट कुछ स्टूडेंट के लिए तो साइंस का जो प्रीवियस ईयर ओरिजिनल जो क्वेश्चन है इसका सेट स्पेशल ऑफर पे 500 स्टूडेंट के लिए मात्र ₹1 में अवेलेबल है। आपको ऐप एक इंस्टॉल करना पड़ेगा MG क्लास टेस्ट करके, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर आपको एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो हमारे ऐप का लिंक चल जाएगा, वहां से जो 500 के करीब स्टूडेंट है ₹1 में साइंस का टेस्ट दे सकते हैं ऑफिशियल ओरिजिनल पेपर का। बाकी आपका क्या राय होगा आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, और आपका सजेशन बताइए आप किस जोन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशल वीडियो जो है कि लगभग कितना कितना अप्रोक्स में फॉर्म भराया है उसका हम आपको अलग से डाटा देंगे, और वो भी साइबर कैफे के आधार पे कि लगभग कितने के फॉर्म में अभी तक आपका अप्लाई हुआ है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।